नमस्कार, जय इन ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी? बढ़िया तरीके से फटाफट से लाइव जुड़ जाओ यार, सारे के सारे एक बार लाइव जुड़ जाएं, शेयर कर दें सेशन को, क्योंकि चैप्टर है ना रीजनिंग का, सबसे बेस्ट चैप्टर चल रहा है यार। और ऐसा चैप्टर जब चलता है फिर लाइव नहीं करें, इसका मतलब पूरे कंजूसी के श्रेणी में आ जाते हो आप। हैं, बढ़िया तरीके से एक बार मन लगा के सभी शेयर करें, स्टेटस लगाएं, है ना। गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, जय माता दी की, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, सभी को जिस रूप में अभिवादन स्वीकार करना हो करें, और एक बार सेशन को शेयर कर दें। लास्ट टाइम पे अपना जो डिस्कशन चल रहा था ना दोस्तों, वो चल रहा था काउंटिंग ऑफ फिगर्स में, मतलब आकृतियों की गणना चैप्टर, यही चैप्टर चल रहा है ना। और इसमें लास्ट टाइम, लास्ट की जो दो क्लास हो चुकी है आकृतियों की गणना पे, उनमें मैं आपको दो बातें समझा चुका हूं। कौन कौन सी? एक तो आकृतियों की गणना के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, और दूसरी उस शॉर्ट ट्रिक के आधार पर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनता है। मतलब यह हो गया कि त्रिभुज वाला, ट्रायंगल वाला, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की गणना से संबंधित ट्रिक्स या कंटेंट, जो लॉजिक है ना, वो सारे के सारे समझा चुका हूं, उस पर प्रैक्टिस करवा चुका हूं। थोड़ी बहुत जो इजी इजी पैटर्न पे प्रैक्टिस है वो बाकी है, वो आज के सेशन के लास्ट में अपन उन सारे के सारे क्वेश्चनों को क्लियर करके त्रिभुजों वाला मामला फिनिश कर देंगे, ठीक है। लेकिन सेशन स्टार्ट हुआ है, इसलिए सेशन के जोश का पूरा फायदा उठाते हुए, आपकी एनर्जी का पूरा फायदा उठाते हुए सेशन को एक नए मोड पे लेके चलते हैं। मतलब आज मैं बात स्टार्ट करता हूं वर्गों की, अगर गणना की जाए, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स, मतलब त्रिभुजों पर सारी की सारी बातचीत करके दो चार पांच प्रैक्टिस छोड़ी हुई है, वो मैंने इस पीपीटी के लास्ट में डाल रखी है। सेशन एंडिंग के लास्ट में उन क्वेश्चनों को अपन देख लेंगे, लेकिन शुरुआत में अपन आज एक नए कंसेप्ट पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि अगर अपने को एक डायग्राम दे दिया जाए और दोस्तों उस डायग्राम में अगला ये पूछ ले कि इसमें कुल कितने वर्ग हैं, ठीक है, स्क्वायर की अगर गणना के लिए कहा जाए तो फिर उसमें कुल कितने वर्ग, मतलब वर्गों की संख्या ज्ञात कैसे करनी है, इसके बारे में आज अपने को डिस्कशन करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करें, तैयार हो सभी? चलिए तो अगर तैयार हो, सबसे पहले वर्गों की गणना अपने को करनी है। वर्गों की गणना में चार बातें सिखाऊंगा दोस्तों आपको, और उसके बाद में पांचवी चीज सीखने के लिए है ही नहीं, ठीक है। जिया सेन, न्यू स्टूडेंट हो, कोई बात नहीं जिया जी, अगर न्यू स्टूडेंट हो ना तो भी सब कुछ समझ में आएगा बढ़िया तरीके से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह एक ऐसा चैप्टर है जिसमें रेगुलरिटी बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर आप कंटिन्यूटी बनाए रखोगे, 10 से 15 मिनट सेशन की थ्योरी को एंजॉय करो, उसके बाद में क्वेश्चन करने में अपने आप मजा आ जाएगा, है ना। हरिदर्शन गुप्ता, पढ़ लिया भाई तेरा कमेंट दादा, लेकिन संडे को एक मैराथन था, आपको पता है करंट अफेयर्स का, पूरे 2021 के करंट अफेयर का मैराथन था, इसलिए उसकी प्रिपरेशन में सभी के सभी व्यस्त थे, इसलिए क्लास नहीं हो पाई, क्योंकि एक साल का कंटेंट एक दिन में आपको देना था, तो उसके लिए पूरी टीम वर्क की जरूरत होती है, और टीम वर्क ने सारा का सारा सबने मिलकर एक बहुत बढ़िया सेशन दिया। लगभग मेरे हिसाब से 450 से 500 प्रैक्टिस टाइप क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के करंट अफेयर थे वो सारे के सारे कंप्लीट करवाए, इसलिए मेरी दो दिन क्लास ऑफ थी, ठीक है। वर्गों की गणना में दोस्तों जो सबसे पहली चीज समझा रहा हूं ना, वो पहली चीज है दो स्थितियों पे। पहली है जब आपको एक सममित आकृति दे दी जाए, एक सिमेट्रिक कंडीशन दे दी जाए, और दूसरी स्थिति होती है जब आपको एक असममित आकृति दे दी जाए और उसके बाद में उसमें कुल वर्गों की संख्या पूछ ली जाए कि बताइए इसमें कुल कितने वर्ग होंगे। दोस्त सुनते जाना, एक एक चीज को समझते जाना। सिमेट्रिक कंडीशन, सममित आकृति का मतलब हो गया रो इक्वल टू कॉलम, मतलब जितनी पंक्ति है ना दोस्तों उतने ही क्या होने चाहिए स्तंभ। अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स बनी हुई है, वर्गों का ऐसा एक मायाजाल बना हुआ है जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान है, तो उस आकृति को अपन किस नाम से जानेंगे? वो एक सममित आकृति कहलाएगी। उस सममित आकृति में कुल कितने वर्ग होंगे, पहला क्वेश्चन तो इस पर पूछता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों असममित आकृति, मतलब जिसमें रोई नॉट इक्वल टू कॉलम, मतलब पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान नहीं है, अलग अलग है, या तो पंक्तियां ज्यादा है या फिर स्तंभ ज्यादा है। इन दोनों स्थितियों पे अपने को कंसल्ट करना है। सबसे पहला कंसेप्ट तो यह है,
उसके बाद में इसी से रिलेटेड दो छोटी छोटी बातें और समझा के सीधा सीधा अपने को प्रैक्टिस पे चलना है। एक बार सेशन को शेयर कर दें यार, ठीक है। जितना लाइव दिखेगा, जितने लाइक दिखेंगे, उतना ही पढ़ाने का मजा आएगा। अब ये आपके सामने एक स्थिति दे रखी है, एग्जाम्पल मतलब ये ट्रिकी है, एक तरह की लॉजिक समझा रहा हूं क्वेश्चन के रूप में बढ़ा के, ठीक है। अब आप इसमें यह देखो दोस्तों कि पंक्तियों की अगर मैं बात करूं तो पंक्ति कितनी है, एक और एक दो, और स्तंभ की अगर बात करूं, अरे भैया ये तो है पंक्ति और ये हो गया स्तंभ, ठीक है। पंक्तियां भी एक और दो है और स्तंभ भी कितने हैं, एक और दो, मतलब पंक्ति बराबर स्तंभ हो गया कि नहीं हुआ, ये बताओ आप। पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान है या नहीं है दोस्तों, समान है ना। वैसे इसमें देख लो आप, इसमें स्तंभ हो गए एक दो और तीन, पंक्तियां हो गई एक दो और तीन, बताओ रो इक्वल टू कॉलम है या नहीं है। इस वाली स्थिति में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या सेम है या नहीं है दोस्तों, सेम है ना। अगर सेम है तो फिर इसमें कुल कितने वर्ग होंगे, एक बार तो मैं पूरा गिना देता हूं, समझा देता हूं, ताकि मैंने आपको क्या कहा, सो ट्रिक केवल किसी क्वेश्चन को इजी वे में सोल्व करवाने का एक तरीका है, लेकिन सीधा सो ट्रिक पे क्वेश्चन कभी नहीं आता, उसमें थोड़ा बहुत ऐड करके फिर अगला पूछता है, तो उसी चीज को अपने को समझना है। अगर अपन एक एक काउंट करके देखें तो पहले आप एक एक समझ लो, सबसे पहला एक दो तीन और चार, चार वर्ग तो सीधे सीधे दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे क्या? एक चीज ध्यान रखना, अगर चार वर्ग इस प्रकार से आपस में मिल जाते हैं, कितने, या तो चार मिल जाए, नौ मिल जाए, सोलह मिल जाए, पच्चीस मिल जाए, छत्तीस मिल जाए, अरे भैया लगातार संख्याओं के स्क्वायर के रूप में अगर मिल जाते हैं तो फिर उनके मिलने से भी हमेशा एक वर्ग का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये चार मिल गए, चार तो ये हो गए, पांचवा ये बड़ा वाला हो गया। इस वाली स्थिति में कुल कितने वर्ग हैं, पांच वर्ग हैं, और वैसे ही इसमें देख लो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ और नौ, नौ तो हो गई है। अब देखो मैंने कहा चार के मिलने से भी एक वर्ग बनता है, इन चार के मिलने से एक वर्ग ये हो गया, कितने नंबर हो गया, दस नंबर। एक एक चीज को समझते जाओ, जितना समझोगे उतना बेटर है दोस्तों, ठीक है। इन इधर वाला एक स्टेप इधर किसका दूं, तो इन चार के मिलने से एक वर्ग ये बन गया। एक स्टेप नीचे किसका देते हैं, ठीक है, अगर नीचे किसका दे तो इन चार के मिलने से एक वर्ग ये हो गया, और एक स्टेप आगे किसका दो तो इन चार के मिलने से एक वर्ग ये हो गया, दस ग्यारह बारह और तेरह, और ये टोटल कितने हैं दोस्तों, टोटल है नौ, तो नौ के मिलने से एक बड़ा वाला हो गया। ऐसे करके कुल कितने वर्ग बन गए, चौदह बन गए, इसमें है पांच और इसमें कितने हैं, चौदह। ये तो आपको मैंने एक एक गिन के समझा दिया, ठीक है, लेकिन इतना करने की क्या आवश्यकता है यार, एक एक गिन लिया, वो इसलिए गिन लिया आपकी सेटिस्फिकेशन के लिए, संतुष्टि के लिए गिन लिया, लेकिन अपने को तो सीधा करना है। आप ये बताओ दोस्तों, ये सममित आकृति है कि असममित आकृति है, सिमेट्रिक है कि इस अनसिमेट्रिक है, दोनों की दोनों सिमेट्रिक सिचुएशन है, क्योंकि रो इक्वल टू कॉलम है, पंक्ति बराबर स्तंभ है। तो देखो एक दो, एक और दो, तो आप एक काम करो, या तो पंक्ति या स्तंभ के सारे जो सीक्वेंस जो क्रमांक लिखे हैं आपने, उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, अगर दोनों को जोड़ दोगे तो इस वाली स्थिति में, इस सममित अवस्था में जो मैट्रिक्स रूप में डायग्राम दिया हुआ है, इसमें वर्गों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, इतना क्लियर है, कोई डाउट क्वेश्चन में नहीं है। वैसे ही यहां देख लो दोस्तों, एक दो तीन, एक दो तीन, रो इक्वल टू कॉलम है, पंक्ति बराबर स्तंभ है, अगर है तो फिर या तो पंक्ति या स्तंभों की संख्या का स्क्वायर कर दो, तीन का स्क्वायर नौ, दो का स्क्वायर चार, एक का स्क्वायर एक, सबको जोड़ दिया, नौ चार तेरह और एक चौदह। इस वाली मैट्रिक स्थिति में जिसमें सममित स्थिति दे रखी है तीन बाई तीन की, कुल चौदह वर्ग प्राप्त हो जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं है? और दोस्तों अगर समझ में आ गया ना तो मुझे फटाफट से इसका आंसर बता दो, अगर समझ में आ गया तो फटाफट से इसका आंसर बता दो, ताकि असममित की स्थिति और समझा देता हूं, फिर अपन क्वेश्चनों पे चलते हैं। चलिए फटाफट से बता दीजिए भाई आंसर, कमेंट में यार बोछार हो जानी चाहिए इतने में तो।
चलिए 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 फटाफट से बताएं। 30 आ गया सुरेश सूनिया का, कल्पना खींची का आ गया 30, फिरोज दियोर, अरे भाई दो ही कैसे आया दादा, दयाराम का आ गया 30, वाह बहुत बढ़िया। ये प्रियंका मीणा कौन है, 3 लाख, वाह 3 लाख क्या बात है, हद हो गई। इस बात पे लाइक बनता है भाई, लाइक कर दें सभी के सभी सेशन को। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 रो इक्वल टू कॉलम है, पंक्ति बराबर स्तंभ है, तो या तो पंक्ति के क्रमांकों का स्क्वायर कर दो या स्तंभों के क्रमांकों का स्क्वायर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का कितना हो गया 16। आप इन सबको अगर ऐड कर दोगे तो इस वाली 4 बाई 4 की जो एक सममित अवस्था है इसमें आपको कुल वर्गों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, 16, 9, 25, 4, 29 और 1, 30। ये आपकी एक स्थिति क्लियर हो गई, कौन सी सममित अवस्था अगर देकर आपको वर्गों की संख्या पूछ ली जाए तो उसमें कुल कितने होंगे, ये चीज आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों असममित की। अगर मान लो अनसिमेट्रिक कंडीशन दे रखी है, रो नॉट इक्वल टू कॉलम है, मतलब पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर नहीं है, तो फिर कैसे काउंट करना है, ध्यान से सुनना। एक बार सेशन को शेयर कर दें, लाइक कर दें, यार लाइक करने में कंजूसी मत करो, 225 लाइव चल रहे हैं, लाइक 38, यार थोड़ा बहुत तो सोचो, सामने वाले टीचर पे दया करो, हैं पसीना बह रहा है आपके लिए सर्दियों में। देखो स्तंभ पंक्ति तो कितनी है, 1 और 1 2, स्तंभ कितने हो गए दोस्तों, स्तंभ कितने हो गए, 1 2 और 3। क्या रो इक्वल टू कॉलम है, क्या पंक्ति बराबर स्तंभ है, क्या नहीं है, अगर नहीं है तो स्क्वायर करके आप सबको टोटल करके इसमें वर्गों की संख्या का पता नहीं लगा सकते। अगर एक बार टोटल आप गिनना चाहो अपनी तरफ से तो गिन सकते हो, कैसे, 1 2 3 4 5 6, इन 4 के मिलने से मैंने बताया एक वर्ग बनता है, एक स्टेप आगे किसका दोगे तो इन 4 के मिलने से एक वर्ग बन जाएगा, लेकिन सबको मिलाएं तो सारे कितने, 6 के मिलने से वर्ग नहीं बनता, 4, 9, 16, 25 स्क्वायर वाली संख्याओं के मिलने से ही हमेशा वर्ग बनता है। समझ में आ गया कि नहीं आया, ठीक है चलिए। तो ये ओवरऑल कितने बन गए, 6, 1 7 और 1 8, इसमें कुल कितने वर्ग हो गए, 8 वर्ग हो गए, लेकिन अपने को तो सीधा गिनना है ना दोस्तों, तो सीधा गिनो 1 2 3, 1 और 1 2। क्या करना है आपको, जो पंक्तियों का सबसे बड़ा क्रमांक है उसको स्तंभ के सबसे बड़े क्रमांक से गुणा कर दो। पंक्ति का सबसे बड़ा क्रमांक 2 है, स्तंभ का सबसे बड़ा क्रमांक 3 है, तो इनको आपस में गुणा कर दो, कितना, 2 गुणा 3 कर दिया, 2 गुणा 3 कितना आ गया दोस्तों, 2 गुणा 3 कौन आ गया, 6 आ गया, क्लियर है। अब क्या करना है, अब इनमें से एक के गठा के लिख दो, या एक कम कर दो, 2 में से 1 कम कर दिया 1, 3 में से 1 कम कर दिया 2, इनको आपस में गुणा कर दो, 2 को 1 से गुणा कर दिया 2, अगर फिर एक के कम कर देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्या, फिर अगर एक कम कर देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, कैसे, क्योंकि 1 से छोटा तो 0 हो जाएगा, तो टोटल कर दो 6 और 2 8, मिला कि नहीं मिला, समझ में आ गया या नहीं आया, कोई डाउट। अब देखो इसमें देखो पंक्ति है 1 2 3 4, ये तो है स्तंभ, और पंक्तियां हैं 1 और 1 2। मैंने क्या कहा दोस्तों, मैंने ये कहा कि पंक्ति के सबसे बड़े क्रमांक को, पंक्ति के सबसे बड़े क्रमांक को स्तंभ के सबसे बड़े क्रमांक से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये देखो पंक्ति का सबसे बड़ा क्रमांक 2 है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं स्तंभ के सबसे बड़े क्रमांक से, कर दिया, तो 2 गुणा किससे हो गया, 4 से, 4 दूनी 8। अब इनमें से एक एक कम कर दें, कम करेंगे, 2 में से 1 कम किया 1, 4 में से 1 कम कर दिया 3, 1 को 3 से गुणा कर दिया, कितना आ गया, 3 आ गया। अब फिर अगर एक एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अगर फिर से एक कम करोगे तो 1 से छोटा तो 0 हो गया यार, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 0 आता है, तो इसका मतलब आगे पॉसिबल नहीं है। जोड़ लो 8 और 3 11, इस वाली असममित स्थिति में कुल कितने वर्ग बनेंगे, 11 वर्ग बनेंगे। अब बताओ ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं आई, दोनों स्थितियां समझा दी दोस्तों, कौन कौन सी समझा दी,
एक आपको समझा दिया सममित अवस्था में वर्ग कैसे काउंट करते हैं और एक आपको समझा दिया असममित अवस्था में वर्ग कैसे काउंट करते हैं। दोनों स्थितियां आपकी क्लियर हो गई। यहां तक किसी की अगर कोई समस्या है तो बोल सकता है, नहीं है? मैं तो समझाने में लगा था यार, लड़ाई चल रही है क्या सेशन में? चलिए, अगर नहीं है समस्या तो इस वाली स्थिति में, इस मैट्रिक्स एक फिगर में कुल कितने स्क्वायर हैं, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर बता दो कितने होंगे। चलिए फटाफट से बता दें, सेशन को लाइक कर दें। सोनू सुतार, अरे भाई रिया रेगर कौन है ये समझ में नहीं आया क्या? रिया समझ में आया कि नहीं आया? ये कैसे लिख रहे हो? नहीं प्रियंका मीणा, ना सर। चलो फिर बता दीजिए, आंसर बता दें इसका क्या होगा, कुल कितने स्क्वायर है? फुल पॉजिटिविटी के साथ बिंदास होके बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब इसके बाद में नेक्स्ट जो अपना पॉइंट होगा ना दोस्तों, बस उसके बाद वो समझा के फिर सीधा प्रैक्टिस पे चलना। एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, एग्जाम में क्वेश्चन तो ढंग का ही आएगा। श्याम जी आपका नाम क्या है? नाम बोल के मेरे को पूछ रहे हो नाम क्या है? हैं? 50 आ रहा है विकास राज दरबार। अरे राज भाई 10 ही कैसे दे रहा है यार, 10 तो सीधे गिन ले यार। हैं? चलिए बहुत बढ़िया, 85 भी आ रहे हैं यार, ये कैसे मामला, अनिश्चितता का खेल। देखो आप पहले स्तंभ देख लो कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, फिर पंक्तियां, एक तो है ही, 2, 3, 4, 5, 7 by 5 का एक मैट्रिक्स दे रखा है, इसमें कुल कितने स्क्वायर बनेंगे वो अपने को काउंट करने हैं। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया, सबसे बड़े पंक्ति के क्रमांक को सबसे बड़े वाले स्तंभ के क्रमांक से मल्टीप्लाई कर दो, ये करना है, कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35। अब एक एक कम करते जाओ, जिन्होंने केवल 35 गिन लिया उन्होंने सीधा सीधा इतना ही गिन के छोड़ दिया यार। अब देखो एक कम करो, 7 में से एक कम कर दिया 6, 5 में से एक कम कर दिया 4, 6 को 4 से गुणा कर दिया दोस्तों कितना आ गया 24, ठीक है, 6 में से एक कम कर दिया 5, 4 में से एक कम कर दिया 3, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया 15, 5 में से एक कम कर दिया 4, 3 में से एक कम कर दिया 2, 4 को 2 से गुणा कर दिया कितना आ गया 8। इनमें से एक एक कम करते जाओ, गिनते जाओ, 4 में से एक कम किया 3 और 2 में से एक कम कर दिया तो 1, 3 = 3, क्या इससे और कम कर सकते हैं क्या? अरे दोस्तों आपको सबको पता है कि एक के पीछे अगर लिखेंगे तो 0 आना है, 0 से गुणा करने पर 0 हो जाएगा, कोई फायदा ही नहीं है, सीधा सीधा जोड़ लो 35, 24, 59 और 15, 74, 8, 82, 82 और 3, 85, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इन दिस फिगर इक्वल टू 85, इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया या नहीं आया ये बताओ आप, क्लियर हो गया ना? अगर क्लियर हो गया तो अब दो छोटे छोटे पॉइंट समझाऊंगा, उसके बाद सीधा प्रैक्टिस पे चलने। अभी तक प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ आपको ट्रेलर दिखा रहा हूं, फिल्म तो आनी बाकी है, जैसी फिल्म पहचे की 2 क्लासों में आ चुकी है ना वैसी आएगी। अब बोलो यहां तक कोई समस्या किसी को नहीं है ना? चले क्वेश्चन पे, चलिए एक पॉइंट और समझ लो दोस्तों, एक छोटा सा पॉइंट, 2 मिनट आपसे और लेते हैं, वो और समझ लो, उसके बाद सीधा सीधा चलते हैं। यहां आपको एक वर्ग दे रखा है, दे दिया, इसमें वैसे भी काउंट कर सकते थे आप कैसे, 1, 2, 1 और 2, सममित आकृति है क्योंकि पंक्ति बराबर स्तंभ है, तो क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 और 1 जोड़ दिया कितना आ गया 5 आ गया, ये तो सिंपल मेथड है ना? लेकिन करना कैसे है, समझनी जो चीज है ना, जो कंसेप्ट सीखना है, जिसपे अपने को क्वेश्चन करने है, वो ऐसे सीखना है, इस वर्ग में क्या आया प्लस आ गया ना, सीधा सीधा समझ लो दोस्तों, अगर किसी वर्ग में प्लस आ जाता है तो वो हमेशा 5 वर्गों का निर्माण करता है।
सुनना ध्यान से, अगर वर्ग में क्या आ जाए, अगर किसी वर्ग में प्लस आ जाए, आप तो प्लस को ढूंढते जाओ, अगर वर्ग के अंदर प्लस आ गया तो इस वो हमेशा पांच वर्गों का निर्माण करेगा। एक वर्ग में प्लस मतलब पांच, डॉक्टर वाला निशान, ठीक है, किसी वर्ग के अंदर डॉक्टर वाला निशान आने का मतलब पांच बनाएगा। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, चलिए। और अब इसमें देखो दोस्तों, वर्ग आ गया और वर्ग के अंदर क्या आ गया, वर्ग के अंदर प्लस भी आ गया। जब वर्ग में प्लस आता है तो कितने वर्ग बनाता है? पांच बनाता है। और पांच के साथ में देखो ये की है बड़ा पतंगाकार जो वर्ग बन गया एक, ये भी तो एक वर्ग ही है यार, नहीं है क्या? पतंगाकार वर्ग बन गया। और ये पतंगाकार वर्ग बन गया, इसमें एक और एड हो जाएगा, मतलब कितना बनेगा? छह। दोनों स्थितियां समझ में आ गई क्या? क्या करना है? अगर वर्ग में प्लस आ गया तो कितने वर्ग होंगे? पांच। और वर्ग में प्लस के साथ अगर पतंग वाला चतुर्भुज अगर आ गया तो फिर कितने बनेंगे? छह। दो स्थिति समझ लो। इज इट क्लियर और नॉट? अरे दोस्तों इतना समझ में आ गया क्या ये बताओ आप, क्लियर है ना? चलिए, अब मेरा आपसे निवेदन है, दो कैंडिडेट आपस में झगड़ा कर रहे हैं ढंग से बढ़िया तरीके से, है ना, उनसे मेरा निवेदन है आप सेशन को एंजॉय करने आए हो, पढ़ने आए हो, आप पढ़ें, मजा लें, जो कंटेंट मिल रहा है उस कंटेंट की इंपॉर्टेंस को समझें, है ना। आपस में वाद विवाद से कभी कोई सेंस नहीं निकलना, आप बिना बेतुक्की बातें कर रहे हो दोनों, इसलिए मेरा आपसे एक मशवरा है आपको कि आप पढ़ने पे ध्यान दें, सेशन को एंजॉय करें, जो चीजें मिल रही हैं उनको पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। बाकी इन बातों का कोई सेंस नहीं है जो आप कर रहे हो, मैं पढ़ रहा हूं आपके कमेंट कई देर से। चलिए भाई, ये सारी स्थितियां समझ में आ गई तो दोस्तों आपके सामने ये पहला क्वेश्चन आ गया। जो चीजें मैंने आपको समझाई उतनी चीजों पे अब पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने डाल दिया, अब कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है उनकी बारी है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, एकदम मजे के साथ मस्ती के मूड में पढ़ो। एक चीज और बता दूं आपको, जो सुन रहे हैं जो समझ रहे हैं उनको मैं एक बात बता देता हूं, क्या जो आपको मैंने त्रिभुज वाली स्थितियां समझाई थी उनमें तो बहुत टेढ़ा काम है, आप खुद भी समझे होंगे, जिन्होंने दो क्लास रेगुलर ज्वाइन की उनको खुद को भी यह चीज महसूस हुई कि यार त्रिभुजों की काउंटिंग बहुत टेढ़ा काम है, उसमें पूरी सतर्कता रखनी पड़ती है, लेकिन वर्गों में बहुत ईजी काम है, वर्ग गिनने में कोई झंझट नहीं, आराम से ईजी वे में आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए अब बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या है। बढ़िया, आंसर चल रहा है बी, सेकंड ऑप्शन आंसर चल रहा है 20। शेयर करो सेशन को, शेयर करो, लाइक करो, कंजूसी मत करो यार। चलिए बहुत बढ़िया। अरे भैया इजी सा मामला है, क्या आपको मैंने कहा वर्ग में प्लस ढूंढ लो, ये देखो ये रहा बाहर वाला वर्ग और बाहर वाले वर्ग में ये रहा प्लस, ठीक है, तो हो गए पांच। फिर इसके अंदर आ जाओ, ये तो रहा वर्ग और ये वर्ग में रहा प्लस, तो इसके भी हो गए पांच। और अंदर आ जाओ, एक एक चीज को समझो यार, पूरा मजा लो, क्या दिक्कत है। ये आ गया वर्ग और वर्ग में ये आ गया प्लस, इसके भी हो गए पांच, हो गए ना। फिर अंदर आ जाओ, ठीक है, और अंदर चले जाओ, कैसे, ये रहा वर्ग और ये रहा इसमें प्लस, तो वर्ग में प्लस और हो गया तो दोस्तों कितने हो गए, पांच और हो गए। ऐसे करके और दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है और झंझट पालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा जोड़ दो, पांच चौका बीस, कितने हो गए 20। और आप खुद भी देख सकते हो, एक दो तीन और चार, चार वर्ग है, चारों पर प्लस बन रहा है, तो पांच चौका बीस। क्लियर? कोई डाउट है क्या क्वेश्चन में? सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, रोकेंद्र सिंह सही कह रहा है, पांचों के बीच डायरेक्ट है। चलिए फिर इस क्वेश्चन को बताओ, एक छोटी सी चीज समझा देता हूं दोस्तों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज समझा देता हूं। आप देखो बाहर अंदर वाला जो वर्ग आपको दिख रहा है उस वर्ग में तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये वर्ग दिख रहे हैं आपको सेम टू सेम बन रहे हैं,
बन रहे हैं ना। लेकिन इस वाली जो स्थिति है ना, ये नई वाली, ये जो बाहर दिख रहा है उसमें आपको दिख रहा होगा ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, ये स्थितियां बड़ी छोटी नहीं है, ये सेम कंडीशन है। एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ने में शायद डिफेक्ट आ गया इसमें, बाकी दोनों को बराबर मान के चलना, दोनों बराबर है, और उसके बाद में आपको आंसर बताना। किसी प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना, सीधा सीधा मानना कि जैसी बाहर आकृति है वैसी अंदर है, फिर बताना। बड़े चट्टे से और कोई समस्या नहीं होनी, बड़ा छोटा मान के भी चलो ना, तो भी ये देखना कि ये वर्ग ही बना है, वैसे दिखने में आया दिख रहा है, थोड़ी सी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, बनने में थोड़ी सी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, बाकी इक्वल मानना है। बताओ दोस्तों क्या आएगा आंसर? बढ़िया सवाल है, शानदार क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया, बी आंसर आ रहा है, 28 भी आ रहा है, कईयों का 20 भी आ रहा है, 28 आ गया, 27 आ गया, 20 आ गया, तीन आंसर तो मिल गए, 26 भी मिल गए, हो गए यार चार ऑप्शन पूरे हो गए, डी भी आ गया, मतलब चारों ऑप्शन मिल रहे हैं आंसर। अब सोचो आप, इधर ध्यान देना, अब ढंग से समझना दोस्तों। पहले मैं अंदर वाली स्थिति की बात करता हूं, ये वाली, इसमें एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है, क्या पंक्ति बराबर स्तंभ है? अगर पंक्ति बराबर स्तंभ है तो कुल वर्गों की संख्या एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर कितने हो गए? एक, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार और तीन का स्क्वायर नौ, नौ चार तेरह और एक चौदह। अब बात करता हूं दोस्तों बाहर वाले की, ठीक है, अब बाहर वाले की बात करता हूं, ये वाला, इसकी भी स्थिति सीधी सीधी पकड़नी है, एक दो तीन ये तो हो गया, देखो स्तंभ बन गए, और एक दो और तीन ये पंक्तियां बन गई, ठीक है, तो इसमें भी कुल कितने हो गए? देखो पंक्ति बराबर स्तंभ है, अरे भाई अंदर वाले को भूल जाओ, केवल बाहर वाला देखना, अंदर की स्थिति को भूल जाना, बाहर वाली आकृति देखना, केवल यह जो दिख रही है ना, ये वाली स्थिति देखनी है आपको, ऐसी सी जो दिख रही है, ठीक है, एक दो तीन, तो इसमें भी कुल वर्ग कितने बनेंगे? इसमें भी एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर कितने बन गए? एक प्लस चार प्लस नौ बराबर चौदह, चौदह बन गए बाहर वाली आकृति से, चौदह बन गए अंदर वाली आकृति से। लेकिन उसमें आप एक चीज देखो यार, बस एक ही बात सोचने वाली है कि ये जो बीच वाली आकृति है, कौन सी वाली, जो मिड में है, बीचों बीच जो आकृति दिख रही है, कौन सी दिख रही है? अरे भैया बीचों बीच ये जो दिख रही है, ये आकृति दोनों में काउंट नहीं होगी क्या? देख लो आप, बाहर वाली में भी ये पूरी की पूरी ऐसी की ऐसी गिनती में आई है, और अंदर वाली में भी ऐसी की ऐसी पूरी गिनती में आई है, तो एक आकृति को डबल काउंट किया है, बाकी पूरा सेम टू सेम वो का वही मामला है, तो 14 14 28 एक को डबल गिन लिया, तो इसमें कुल वर्गों की संख्या 27। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन है, बोलो समझ में आ गया? हां, एक आकृति कॉमन है, बहुत बढ़िया, समझ रहे हो आप, मतलब यही चीज सीखनी है और कुछ नहीं सीखना इसमें। चले अगले पे, चलिए बहुत बढ़िया, ये लो अगला क्वेश्चन, गजब सवाल है, शानदार क्वेश्चन है, बताओ क्या आएगा आंसर? सुरेश कुमार, फिर से समझाऊं, देख भाई सुरेश भाई, अंदर वाली आकृति तीन बाई तीन की थी, ठीक है, एक दो तीन, एक दो तीन, पंक्ति बराबर स्तंभ है इसलिए सीधा सीधा स्क्वायर हो गए, इनका कुल वर्गों की संख्या होगी इनका स्क्वायर, तीन का स्क्वायर नौ, दो का चार, एक का एक, नौ चार तेरह और एक चौदह, सेम वही बार वाली आकृति है, बार वाली आकृति भी तीन बाई तीन की स्थिति है, तो ये भी एक दो तीन, ये भी एक दो तीन, तो पंक्ति बराबर स्तंभ है, सबका स्क्वायर कर दिया कितना आ गया, ये भी आ गया चौदह, लेकिन उसमें बीच वाली आकृति यहां भी है, बीच वाली आकृति यहां भी है, मतलब ये मिड में जो आकृति है वो दोनों में कॉमन है, इसलिए एक कम कर दिया, आंसर आ गया 27। ठीक है भाई सुरेश भाई, चलिए इसमें बताओ, बढ़िया सवाल है ये, 33 आंसर आ रहा है,
इसका मतलब मेरी मेहनत, आधे घंटे से की गई मेहनत, पूजा योगी समझा दिया ना दोबारा, आधे घंटे मेरी की गई मेहनत बेकार नहीं जा रही है, समझ में आ रहा है? चलो अब इधर देखो, बार वाली स्थिति पहले यहां से काउंटिंग चालू करते हैं, यहां से काउंटिंग चालू कर दी, वर्ग है और वर्ग में दिख गया प्लस, वर्ग में प्लस दिख गया तो और क्या देखना है, हो गए पांच तो ये ठीक है। इसके अंदर देखो दोस्तों, एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है, पांच तो सीधे सीधे प्लस के बन गए, चार वर्ग बाहर और बने हुए हैं, तो पांच और चार कितने हो गए, नौ हो गए। अब सुनना देखो, पांच और चार नौ तो ये हो गए। अब देखो आप अंदर वाला जो ये फिगर है, अंदर ये वाला जो फिगर है ये यहां पे बढ़ाता हूं देखो, क्योंकि इस स्थिति को मैं समझा चुका हूं आपको, अगर वर्ग में प्लस और उसके साथ एक पतंगाकार वर्ग और बन जाता है तो इसके कुल कितने वर्ग बनते हैं, छह। अरे भैया दो स्थिति समझाई ना आपको, वर्ग में प्लस है तो पांच और प्लस में एक पतंग और डाल दी तो छह, ठीक है। तो यहां से देखो छह इसके हो गए, छह इसके हो जाएंगे, छह इसके हो जाएंगे और छह इसके हो जाएंगे, आपस में ओवरलैप, आपस में काटापिटी तो किसी को ही नहीं रही है, कॉमन तो कोई है ही नहीं, ठीक है सीधा सीधा। अब देखो ये सविता नागर जी कह रहे हैं हार्ड क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है, आप डायग्राम को देख के हार्ड का डिसीजन मत करो, कि डायग्राम देख लिया हार्ड लग रहा है यार ये तो आकृति भगवान जाने कहां से उठा के लाए, नहीं, ये स्थिति जब वर्गों से संबंधित क्वेश्चन पूछता है तो वर्गों का क्वेश्चन हार्ड हो ही नहीं सकता, हार्ड क्वेश्चन हो सकता है मेरे मानने में त्रिभुजों वाला, त्रिभुज का क्वेश्चन हार्ड हो सकता है, ठीक है। चलो देखो आप, तो पांच और चार नौ तो ये हो गए, अब इसके बाद देखो छह इसके, छह इसके, छह इसके, छह इसके, तो कितने हो गए, छह चौका चौबीस, देखो दोस्तों नौ बाहर चौबीस हो गए इनके, तो कुल कितने हो गए, चौबीस और नौ तैतीस, कोई डाउट ही नहीं है यार, सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, 33 स्क्वायर बनेंगे, गजब का सवाल है। डायग्राम को देख के मत सोचो कि क्वेश्चन हार्ड आ गया, नहीं, ये प्लीज जी सर समझाओ, वापस समझाऊं क्या, अरे यार देखो बाहर से देखना, मैं दिखा रहा हूं ऐसे वैसे देखते जाना, ये प्लस हो गया, कितने वर्ग बन गए, पांच, अब एक वर्ग इसमें बना दिया, एक इसमें बना दिया, एक इसमें बना दिया, एक इसमें बना दिया, तो चार वर्ग हो गए और हो गए, पांच और चार नौ, अब इसके बाद में इसमें एक वर्ग बना के प्लस और प्लस में पतंग डाल दी, तो पतंग डालते कितने उड़ जाते हैं, छह, ऐसा ही यहां किया, ऐसा ही यहां किया, ऐसा ही यहां किया, तो छह चौके चौबीस ही हो गए, चौबीस और नौ कितने हो गए, तैतीस हो गए, बस सिंपल क्वेश्चन, क्लियर है। चलो फिर करो लाइक इस बात पे यार, आप एक तरफ तो ये कहते हो बढ़िया समझाते हो, शानदार समझ में आता है, मस्त पढ़ाते हो, क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया करवाते हो और फिर लाइक नहीं करते हो, है सविता जी बता दिया, फिर से बता दिया, देख लिया होगा आपने, सिंपल सी चीज है, फिर से बता दिया। अब इसमें बताओ सांवरलाल पेपर कब होगा, देखो भाई जनवरी की जो संभावना दी जा रही है मुझे उसमें कोई सेंस वाली बात नहीं लग रही है, जनवरी का चांस बहुत कम है। हाँ दोस्तों समझ में आ गया कि नहीं आया, हाँ अब क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी नेट इश्यू हो गया था, है ना, हो जाता है कई बार टेक्निकल इश्यू, मशीनें हैं, इंसान से गलती होती है तो मशीनें क्यों से क्यों नहीं हो सकती, है ना। बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया, अच्छा वापस समझाएं, वापस समझाऊं क्या क्वेश्चन को, चलो एक बार वापस समझ लो, अगर क्लास बीच में ड्रॉप हो गई रुक गई तो वापस समझ लो। देखो यहां से शुरू कर लो, एक एक गिनते जाओ, वर्ग में प्लस, प्लस में पतंग छह, ठीक है,
छह के बाद देखो सात आठ नौ। दोस्तों ये भी मैंने आपको समझा रखा है, याद होगा शायद, चार वर्गों के मिलने से भी एक वर्ग बन जाता है, तो नौ और एक दस, ठीक है। उसके बाद देखो आगे काउंट ओवर कर लो, दस तो ये हो गए, फिर ये ग्यारहवा, ये बारहवा, यहां देखो वर्ग के अंदर क्या आया, प्लस आया, वर्ग के अंदर प्लस आते ही कितने जुड़ जाते हैं, पांच, तो बारह और पांच कितने हो गए, सत्रह, और फिर ये देख लो ये चारों मिल गए तो एक वर्ग और बन गया, कितना हो गया, अठारह, है ना। चलिए इसके आगे और देखो, अठारह के आगे देखो ये उन्नीस बीस इक्कीस, इन चारों के मिलने से एक वर्ग और बन गया तो कितना हो गया, बाईस। इसके आगे फिर काउंट कर लो आप, बाईस के बाद देखो ये तेईस ये चौबीस, वर्ग वर्ग में प्लस और प्लस में भी पतंग कितने हो जाते हैं, छह, तो चौबीस और छह तीस, और एक इन चारों के मिलने से और बढ़ गया, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 31। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इज इट क्लियर और नॉट, आ गया ना समझ में। चलिए ये लो अगला क्वेश्चन, फटाफट से आंसर बताओ, दोबारा समझा दिया कोई बात नहीं, जिनके समझ में नहीं आया क्लास बीच में रुक जाने से, जिनके दिक्कत हो गई प्रॉब्लम हो गई समझने में, दोबारा समझा दिया, इसका आंसर बताओ। यार फिर से तो नहीं रुकी जितेंद्र कुमार, अब की बार तो यार झूठ बोल गया दादा, फिर से तो नहीं रुकी क्लास, अब तो चल रही है धनाधन, मैं रुक गया, मैं खड़ा हो गया था इसलिए आपको लगने लग गया कि यार रुक गई। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, बढ़िया फिगर है, बढ़िया शानदार, क्या आ रहा है आंसर, सुरेंद्र कुमावत राम राम, बहुत लेट आए हो। राधेश्याम लांबा का आंसर आ गया बाणवे, पूजा योगी का ए आ गया, लक्ष्य का डी आ गया, निर्मा चौधरी का ए आ गया, नरेश रोट का डी आ गया, बाबू राव का छियानवा आ गया, सुशीला चौधरी का बी आ गया, रामस्वरूप माचरा का ए आ गया, कॉमेडी गुरु क्या लिखा है भाई, डी आ गया लगता है शायद, अब तो कमेंट धनाधन चलने लगे, पढ़ ही नहीं पा रहे। पहले एक काम करो, ये बीच वाली सारी फिगर छोड़ दो, सीधा सीधा ये गिनो कितने, एक दो तीन चार पांच, इधर से भी एक दो तीन चार पांच, अंदर की स्थितियों को भूल जाओ, तो बताओ पांच बाई पांच की एक सममित आकृति नहीं होगी क्या, और अगर सममित आकृति है तो कुल वर्गों की संख्या पहले तो यहां से गिन लो, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, पांच का स्क्वायर, ये तो सीधी सीधी ट्रिक समझा रखी है मैंने आपको, एक का स्क्वायर एक, दो का चार, तीन का नौ, चार का सोलह, पांच का पच्चीस, इन सबको ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, पच्चीस और सोलह इकतालीस, नौ पचास, चार चौवन और एक पचपन, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर हो गए 55। लेकिन अभी तक मैंने ये चीज है ना केवल इतनी समझाई आपको, अब आप इसमें ये देखो, इस वाले वर्ग में ये जो वर्ग आपने गिना है, इस वर्ग के अंदर प्लस और प्लस में पतंग, वर्ग के अंदर प्लस और प्लस में पतंग हो जाती है तो कुल कितने वर्ग बन जाते हैं, छह, लेकिन छह वर्ग में समझना, वर्ग वर्ग में प्लस प्लस में पतंग, तो कुल वर्ग होते हैं छह, छह में से एक वर्ग ये खुद बड़ा वाला होता है ना, तो ये वाली चीज अपन ये बड़ा वाला वर्ग तो पहले गिन चुके, तो छह में से एक कम हो गया कितने, पांच, इस पतंग के पांच, इसके पांच, इसके पांच, इसके पांच और इसके पांच, पांच पतंगाकार आकृतियों के पांच पांच हो गए, तो पांच पांच पच्चीस वर्ग ही हो गए। अब आप ये देखो, वर्ग में जब प्लस बनता है तो उसके कुल कितने वर्ग बन जाते हैं, वर्ग में जब प्लस आता है तो उसके कुल कितने वर्ग हो जाते हैं, सीधा सीधा बता दिया मैंने कितना है, पांच, लेकिन पांच में से एक ये खुद बड़ा वाला होता है, बड़ा वाला तो आप ऊपर गिन चुके तो कितने, चार, चार ये, चार ये, चार ये, चार ये, ठीक है, तो चार चार इन चार प्लस के हो गए तो कुल कितने हो गए, सोलह, इन सबको ऐड कर दो, सारी स्थितियां जोड़ चुके, पचपन पच्चीस अस्सी अस्सी और सोलह,
96। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 96। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर और नॉट? मजा आना चाहिए कि सर वास्तव गजब क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन, लेकिन उतने इजी तरीके से समझ में आया। क्यों? क्योंकि एक प्लस और एक पतंग, दो पे पूरा मामला खत्म। प्लस का मतलब पांच, पतंग का मतलब छह। क्लियर? बहुत बढ़िया, लाइक कर दो फिर सेशन को, क्लियर है तो बताओ अगला क्वेश्चन या आपका अगला सवाल। एक सौ पांच कैसे आ गए यार हरिदर्शन भाई? 105 कहां से गिन लिए? 105 में तो मुझे पता है क्या गड़बड़ कर गए। पांच तो उनके एक्स्ट्रा गिन लिए, चार प्लस वालों के एक्स्ट्रा गिन लिए। पांच चार नौ, तो 96 में 9 और जोड़ दिए। डबल काउंट क्यों कर रहे हो यार? बाबूलाल नाइक सर मैं आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्य भाग हमारे जो आप यहां पधारे हैं। चलिए आंसर आ रहा है 1730। अरे 30 तो भाई ऑप्शन ही नहीं है यार कृष्णा कुमावत, 30 तो ऑप्शन ही नहीं है यार। 30 कैसे आ गया आपका? गिनो तो सही है? देखो सबसे पहले ये देखो, ये वर्ग अंदर जाते क्यों यार? सारी आकृति को एक साथ पढ़ते क्यों? जितनी आपके समझ में आए उतनी पढ़ो आप, ठीक है ना? जितनी समझ में आए उतनी पढ़ो, फालतू की मत पढ़ो। जो समझ में नहीं आए वो नहीं पढ़ेंगे। सारी एक साथ पढ़ने से मिक्सअप हो जाता है यार, कंफ्यूज हो जाते हैं। ये लो, वर्ग वर्ग में प्लस और प्लस में ये पतंग, अपना काम तो हो गया, बाहर वाले से बढ़ गए छह, हो गया इतना काम। अब चलो अंदर चलते हैं, अंदर चलो। देखो ये रहा वर्ग, ये वर्ग के अंदर ये रहा प्लस और प्लस में ये रही पतंग, ठीक है? ये पतंग तो छह इसके हो गए, हो गया अपना काम। जितना समझ में आए उतना समझते जाओ, बाकी चीजों को छोड़ते जाओ और अंदर चल लो। और अंदर चले तो फिर केवल ये एक ही बचा, क्या? वर्ग बचा और वर्ग में ये रहा प्लस। पतंग नहीं है, पतंग नहीं है तो कितने होंगे? पांच, छह छह बारह और पांच सत्रह। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर हो गए 17। अगर समझ में नहीं आए, आकृति छोटी दिख रही हो तो यहां समझ लो, ऐसी आकृति है ये, ऐसी डायग्राम है ये, ठीक है? इसमें फिर ये स्थिति बन गई कुछ ऐसी, फिर एक पतंग बन गई, तो छह तो बाहर वाली पतंग के, छह अंदर वाली पतंग के, और इसके अंदर एक वर्ग बन गया। इसमें कोई पतंग नहीं है तो छह बाहर वाले के, छह अंदर वाले के, पांच इसके अंदर वाले के, केवल प्लस के। कितने हो गए? छह छह बारह और पांच सत्रह। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे, चलिए अगले पे चले तो ये अगला सवाल। बताइए इसमें कुल कितने वर्ग होंगे? मजे लेके पढ़ो, मस्त होके पढ़ो, शानदार एकदम पॉजिटिविटी के साथ। नौकरी कहां जाएगी? नौकरी अपने हाथों में ही है। ये गोपाल चीनिया क्या कह रहा है? समझ में नहीं आया सर, क्वेश्चन केम के बाद आप बोलत हो उसमें मजा आवत है। चलिए बताइए क्या आंसर आया, कंफ्यूज मत होना, आकृति देख के कंफ्यूज मत होना, बस बनाने तो अगले को जैसा बनाना चाहता है, वो अपनी अडेग नहीं है। अपना काम है केवल कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना, जो चीज सीख रखी है उसके अनुसार चलना, फिर करने दो अगला क्या कहता है। 18 आंसर दे रहे हैं संतोष यादव, टॉपिक कंसेप्ट वाइज ही है भाई। हां पहले अंदर वाली आकृति के वर्ग काउंट कर लो,
इसमें देखो इधर समझ लो, ये है ऐसी स्थिति दे रखी है, एक दो तीन, एक दो तीन सम्मित आकृति है, सम्मित है तो सीधे सीधे स्क्वायर हो गए, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, सबको जोड़ देंगे, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का नौ, नौ चार तेरह और एक चौदह। अब देखो एक वर्ग यहां रख दिया, 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 चार वर्ग और रख दिया तो चौदह और चार अट्ठारह। फिर देखो इसको इसे ऐसे है ना, ऐसे विकर्ण से काट रहा है और इसको ऐसे विकर्ण से काट रहा है, तो काटने दो ना यार, जब विकर्ण काटते हैं तो त्रिभुज बनता है, वर्ग नहीं बनता। दो स्थिति समझाई हुई है, देखो वर्ग बनेंगे जब भुजाएं कटेगी, अगर विकर्ण कटता है तो वर्ग नहीं बनते, त्रिभुज बनते हैं, और त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना मैं आपको सिखा चुका हूं, सिखा दिया ना, ठीक है। तो यही चीज है, सीधा सा नॉर्मल सा कंसेप्ट है, कुल कितने बन गए, 18 बन गए, सिंपल क्वेश्चन एकदम क्लियर। चलिए अगला सवाल, इसमें बताओ बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, क्या बताऊं रिचपाल, बताओ ना सर मैंने पढ़ाई नहीं यार, पहले क्या पूछ रहा था, इसमें बताओ कुल कितने वर्ग। प्रदीप गिवारिया गवारी गावड़िया सिक्कर से राम राम, राम राम साहब आपका नागौर से राम राम स्वीकार करते हैं यार, सिक्कर से नागौर से एमपी से यूपी से, ये तगड़ा लॉजिक लेके आए हो आजकल है। 36 आ रहे, 31 आ रहे, 40 आ रहे, 36 31 40 तीन आंसर तो मिल गए। चलिए देखो अंदर वाली स्थिति को भूल जाओ, एक बार देखो सीधा सीधा बाहर देखो आप, ये बाहर है, एक दो तीन और चार, एक दो तीन और चार, अरे यार पंक्ति बराबर स्तंभ है तो सममित आकृति है, सीधा सीधा स्क्वायर कितने हो जाएंगे, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, इन सब तो चार स्क्वायर, नौ का स्क्वायर चार, एक का स्क्वायर एक, 16 नौ 25 चार 29 और एक 30, इसमें कुल कितने वर्ग बन गए, 30, और 30 के बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं है, केवल एक पतंग है, तो 30 में एक पतंग हो गई, कितने हो गए 31। यही तो मैंने समझाया है कि वर्गों पर आधारित जो क्वेश्चन होता है उसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा नॉर्मल सा आंसर आएगा। बोलो दोस्तों समझ में आ गया कि नहीं आया, यह आज आपका सेशन था ठीक है, और यह होगा अगला क्वेश्चन जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है ठीक है। यहां आंसर नहीं चाहिए मुझे, इसी क्वेश्चन से मैं कल का कंसेप्ट स्टार्ट करूंगा, आज के लिए इतना ही होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है क्या आंसर रहेगा ठीक है, चैट में मत दो कमेंट बॉक्स में आंसर दो क्या आंसर इसका होगा। कल इसी से बात करेंगे, जितनी चीजें मैंने आपको त्रिभुज और वर्ग पे समझानी थी समझा चुका हूं, कल इस पर प्रैक्टिस करूंगा, कल का पूरा सेशन केवल प्रैक्टिस का रहेगा, और कैसे कैसे क्वेश्चन इंप्रूव कर सकता है, जब आपसे वादा कर रखा है कि आपको एक एक चीज एक एक कंसेप्ट से लाइव क्लास में भी अवगत करवाया जाएगा तो करवाया जाएगा ठीक है, मजाक नहीं की जाएगी। इसलिए कल मिलते हैं वापस सेम इसी टाइम 7 बजे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।